नमस्कार दोस्तों दक्षिण भारत की राजनीति को लेकर जब कभी भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी की जो क्या कहना चाहिए कि एक प्राइम प्रायोरिटी है उसमें प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पर नाम नजर आता है तेलंगाना का और सबसे लीस्ट प्रायरिटी पर केरल ऐसा क्यों है अभी हाल ही में चुनाव हुए थे 2021 के ए, केरल के तो उसमें बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था एक विधायक उनके हुआ करते थे वो भी इस बार सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई थी तेलंगाना में अगले साल चुनाव होने हैं तेलंगाना को लेकर बहुत सारा फोकस बीजेपी कर रही है उसके चार सांसद भी हैं कुछ विधायक भी उनके बने हैं तेलंगाना में उपचुनाव जीते हैं कुछ बीजेपी ने इन सब चीज़ों की वजह से बीजेपी की प्रायोरिटी अब तेलंगाना बन गई है वरना आप देख लीजिए कि के के केरल में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है उनका आंध्र प्रदेश में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है साउथ के अगर स्टेट्स की बात करें और तमिलनाडु में भी उनका कोई सांसद है नहीं और तमिलनाडु में कुछ विधायक ज़रूर उनके बने हैं ये इतना बात ज़रूर हुई है अब जो सारी परिस्थितियां बनती हुई नज़र आ रही हैं उसमें सिर्फ एक नया समीकरण ये बनता हुआ नज़र आया है अभी जो मैंने एनालिसिस किया है और ख़ासतौर से राहुल गांधी की जो यात्रा सत्रह अट्ठारह दिन तक चली केरल के अंदर ही उसके बाद से जो परिस्थितियां डेवलप हुई हैं उसके बाद से निश्चित रूप से कुछ बदलाव रणनीतिक रूप से हुआ है वहाँ पर बीजेपी में भारतीय जनता पार्टी ने केरल को लेकर अपनी रणनीति में बदलाव किया है देखिए सुनने में ये आपको अजीब सा लग रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ लेकिन हकीकत बात यही है केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन पर भाजपा का रुख थोड़ा सा नरम पड़ता हुआ नजर आ रहा है पिछले महीने जो आप जानते होंगे कि के केरल में एक नाव दौड़ प्रतियोगिता होती है जिसमें राहुल गांधी ने भी चप्पू चलाया था उस नाव दौड़ प्रतियोगिता में एक केरल सरकार का कोई बड़ा कार्यक्रम होता है उसके उद्घाटन समारोह के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आमंत्रित किया गया था बहुत से लोग इस पर सवाल उठाने लगे थे कि अमित शाह को क्यों बुलाया जा रहा था और अमित शाह ने निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया था लेकिन बाद में आखिरी समय पर अमित शाह का कार्यक्रम की नीवार वजह से कैंसिल हो गया इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल का दौरा किया था और उन्होंने मुख्यमंत्री पी विजयन के साथ बढ़िया सौहार्दपूर्ण बातचीत की थी इसने सबको आश्चर्य में डाल दिया था क्योंकि केरल उन राज्यों में से एक है जहाँ भाजपा अपना विस्तार करना चाहती है और इसके अलावा आर का भी एक बहुत बड़ा बेस केरल में है लोग तो ये कहते हैं कि साउथ में केरल में सबसे ज़्यादा शाखाएं कभी आरएसएस की चला करती थी और आज वहीं पर बीजेपी अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है आरएसएस के नेताओं पर हमला हो रहा है नरेंद्र मोदी जब केरल गए थे पिछले दिनों तो उन्होंने भाजपा शासित राज्यों में के बारे में डेवलपमेंट के बारे में लोगों को बताया था ये भी कहा था कि दोहरे इंजन वाली जो सरकारें होती हैं जहाँ पर कि के केंद्र में भी बीजेपी और राज्य में भी बीजेपी उसका बड़ा फ़ायदा होता है ये सब बातें उन्होंने कही थी कि डबल इंजन की सरकार सब जगह बननी चाहिए लेकिन उन्होंने यहाँ पर जो सी की सरकार है जो एल की सरकार लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है पी वाली उस पर कोई ज़्यादा हार्ड ईटिंग टारगेट नहीं किया वरना वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ के अगर विरोधी दल का मुख्यमंत्री है तो उस पर अच्छा खासा हमला बोलते हैं कुछ ऐसा ही रुख मुझे नज़र आया है केरल के लिए जैसा कि उड़ीसा में नवीन पटनायक के प्रति नरेंद्र मोदी का नज़र आया तो उन्होंने थोड़ा सा सॉफ्ट टारगेट रखा हालांकि उन्होंने और उन्होंने कोई ऐसी आलोचना नहीं की और केंद्र द्वारा केरल में एक लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लागू करने की बड़ी घोषणा भी उन्होंने वहाँ पर की थी ये भी एक बड़ी बात थी और अभी एक बड़ा कार्यक्रम भी हुआ था जब वो पनडुब्बी भारत की लॉन्च की गई थी उसका भी एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ था और इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि पिछले तीन चार साल से गोल्ड स्मगलिंग का एक बड़ा मामला चल रहा है केरल में जिसमें जांच एजेंसियों के सामने पी विजयन जो मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ भी कुछ बातें सामने आई थी लेकिन उसके बावजूद भी उसमें ना कोई गिरफ्तारी हुई है और ना ही उसमें केंद्रीय जाँच एजेंसियों ने कोई बड़ा एक्शन लिया है भाजपा और केरल में जो यहाँ के सीएम हैं उनके बीच में लोगों का ये भी कहना है कुछ खबरें भी मीडिया के माध्यम से आने लगी हैं कि दोनों के बीच में कुछ खिचड़ी पक रही है कुछ प्लान अंदर ही अंदर बना है क्या प्लान हो सकता है ये मैंने आकलन करने की कोशिश की देखिए यहाँ पर हकीकत बात यह है कि यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर कोई है तो राहुल गांधी हैं केरल के लिए केरल के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम विजयन के लिए ख़ासतौर से मुख्यमंत्री विजयन के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि राहुल गांधी राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा यहीं से शुरू की कहने के लिए कन्याकुमारी से शुरू की लेकिन वो फिर उसके बाद कन्याकुमारी तो आता है तमिलनाडु में उसके बाद सीधे एंटर कर गए केरल में और लगभग अट्ठारह दिन तक यहाँ पर उनकी यात्रा चली और यहाँ पर विजयन और उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नेताओं ने ये बात साफ़ तौर पर उठाई थी कि राहुल गांधी तो आर और बीजेपी के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ने की बात करते हैं और अट्ठारह दिन केरल में घूम रहे हैं उन्हें उन राज्यों में ज़्यादा समय देना चाहिए जहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है उन्होंने कहा कि आप उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में आपने चार पाँच दिन का कार्यक्रम रखा है जबकि इतना बड़ा स्टेट है इतना महत्वपूर्ण स्टेट है कई और राज्यों के बारे में भी उन्होंने इस तरह की चर्चाएं की और सीपीएम ने साफ़ तौर से जो कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ की उन्होंने साफ तौर से ये भी कहा कि राहुल गांधी जान कर केरल में लंबे समय तक चलना चाहते हैं दरअसल इसके पीछे तर्क तो यही है कि चूंकि राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से इस बार रिप्रजेंट कर रहे हैं लोकसभा को तो इसी वजह से उनका फोकस था कि मैं यहाँ पर ज़्यादा करूँ और केरल में अच्छे खासे सांसद भी हैं उनके तो वो ये चाहते हैं कि के केरल में ज़्यादा फोकस करूँ और इसी बात से परेशानी हो रही है यहाँ के मुख्यमंत्री विजयन को तो उन्हें ये लगा होगा कि अगर हम बीजेपी को साथ लेकर चलते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है बनस्पत इसके कि हम राहुल गांधी का मुकाबला करने के बजाय राहुल गांधी को यहाँ से खदेड़ने की सोचें और उनके मन में कहीं ये ना ये ये भी बात आई होगी कि अगर यहाँ पर हमारे लिए कोई भविष्य में खतरा है तो वो कांग्रेस है बीजेपी यहाँ अभी हमारे लिए खतरे की पोजीशन में है नहीं दूसरे कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं शशि थरूर शशि थरूर पर बीजेपी की भी लंबे समय से नज़र है दो के समय से ही राजीव प्रताप रूड़ी जैसे नेता पार्लियामेंट के अंदर शशि थरूर की तारीफ कर चुके हैं कि अपने दम पर जीत कर आते हैं और दूसरे नेताओं को राजीव राजीव प्रताप रूड़ी ने साफ तौर पर यह कह दिया था लोकसभा में कि आप बैठ जाइए आपकी बात में कुछ दम नहीं है शशि थरूर जैसा आदमी जो अपने दम पर जीत रहा है वो अगर कुछ कहे तो बात समझ में आती है लोग ये कहने लगते हैं कि शशि थरूर का भी बीजेपी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है और तीसरे इस समय जिन परिस्थितियों में शशि थरूर घिर गए हैं और उनके खिलाफ़ मल्लिकार्जुन खड़गे को गांधी फैमिली ने उतार दिया है तो शशि थरूर के मन में भी हो सकता है कि आने वाले समय में चुनाव तो वो हार नहीं है कांग्रेस अध्यक्ष पद का हो सकता है कि आने वाले समय में उनके प्रति गांधी परिवार के प्रति भी कुछ इस तरह की भावनाएं डेवलप हों और बीजेपी शशि थरूर को केरल में अपनी ओर मिलाने का प्लान बना ले तो हो सकता है ये सब चीज़ें बहुत हाइपोथेटिकल हैं इसमें परिकल्पनाएँ की जाती हैं लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है कोई भी संभावनाएँ हो सकती है दूसरे जो यहाँ की सरकार है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजयन उन्हें यह लग रहा है कि राहुल गांधी अगली बार भी वायनाड से ही चुनाव लड़ने वाले हैं और वायनाड में राहुल गांधी की घेराबंदी करने के लिए बीजेपी का सहयोग बहुत जरूरी है बीजेपी भी यह चाहती है बीजेपी और विजयन दोनों ही ये चाहते हैं कि यहाँ से कांग्रेस को खदेड़ दिया जाए दोनों का एक ही टारगेट है बीजेपी को भी पता है कि कांग्रेस जब तक नहीं जाएगी यहाँ से तब तक उनकी पोजीशन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी शायद यही वजह है कि ये सब चीज़ें नज़दीक चल रही हैं और जिस तरह का हार्ड हिटिंग रवैया बीजेपी ने महाराष्ट्र के बारे में अपनाया कि महाराष्ट्र में इतनी आक्रामक रही और उनकी वहाँ की सरकार बीजेपी गिराकर ही मानी उस तरह का रवैया बीजेपी का आ, केरल को लेकर नज़र नहीं आ रहा है या फिर जिस तरह की सख्ती या सख्त रवैया उनका केसीआर के खिलाफ तेलंगाना में नज़र आ रहा है उतना सख्त रवैया बीजेपी का केरल में विजयन के प्रति नज़र नहीं आ रहा है कई जगह बल्कि बीजेपी के नेताओं ने विजयन की तारीफ भी की है शशि थरूर ने भी कई जगह विजयन की कार्यकुशलता की उनके नेतृत्व की तारीफ की है और दूसरे आपको मैं बताऊं कि शशि थरूर ने केरल में एक विवादास्पद सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना बन रही है जिसका नाम है के रेल इस योजना का उन्होंने इसके खिलाफ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था और जिसमें क्या कहा जा रहा है कि कांग्रेस और दूसरे नेता चाहते थे कि शशि थरूर इस पर सिग्नेचर करें लेकिन उन्होंने इस पर सिग्नेचर नहीं किए थे शशि थरूर का मानना था कि ये योजना केरल के लिए बेटरमेंट के लिए है और ये बढ़िया तरीके से योजना होनी चाहिए शशि थरूर ने तिरुवंतपुरम से एक दिग्गज को हराया था कभी पहले चुनाव में दो में जब यहाँ से सांसद बने थे तीन बार से लगातार सांसद हैं शशि थरूर तिरुवंतपुरम से और दूसरे जो विजयन है उनके बारे में आपको बता दूं कि विजयन का अपनी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के जो बड़े नेता हैं सीताराम येचुरी या दूसरे कम्युनिस्ट नेता हैं उनके साथ ट्यूनिंग सही नहीं है 2021 का भी चुनाव जब यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी जीत रही थी तो उस समय ये शोर नहीं था कि विजयन को रिपीट किया जाएगा या नहीं बहरहाल मैं तो जो परिस्थितियाँ चल रही हैं जो परिस्थितियाँ बन रही हैं उन सब से जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं उन सब के आधार पर ही अपना आकलन कर रहा हूँ और निश्चित रूप से केरल को लेकर यह बात तो माननी होगी कि बीजेपी का रवैया उतना सख्त नहीं है जितना के तेलंगाना को लेकर है आंध्र प्रदेश को लेकर भी बीजेपी उतनी आक्रामक नहीं रहती जितनी कि तेलंगाना को लेकर है तो आने वाले समय में केरल को लेकर बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी केरल पर मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं और आगे भी बनाता रहूँगा अगर आप दक्षिण भारत से हैं खासतौर से केरल से हैं मेरे वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से अपना मुझे कंट्रीब्यूशन और अपना जो फीडबैक है वो जरूर दें और मैं आपका इंतज़ार करूँगा आपका कमेंट आएगा अगर नीचे और वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें